आप सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, मैं आपका अजीत साथी रमेश सोनी आज फिर एक बार आपके बीच आया हूं और आपको दिल से सलूट करता हूं। दोस्तों, विषय बड़ा गंभीर है आज जिसे हम आपके सम्मुख रखना चाहते हैं। चंद दिनों पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने एक लाइव कार्यक्रम में आकर दिल्ली के राशन दुकानदारों को कह डाला था माफिया। जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली के राशन दुकानदारों को कह डाला था माफिया, और उन्होंने एक बार नहीं कई बार माफिया शब्द से संबोधित किया, कई बार उन्होंने माफिया शब्द से संबोधित किया। एक उच्च पद पर आसीन दिल्ली के मुखिया के मुख से माफिया शब्द शायद अच्छा नहीं लगता सुनने में। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, यदि आप इन्हें माफिया कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके पास इनके माफिया होने के तथ्य भी होंगे, सबूत भी होंगे। और जब आपके पास ऐसे तथ्य और सबूत हैं और आपको पता है ये माफिया हैं, तो आप इनके खिलाफ क्यों नहीं करते उचित कार्रवाई, क्यों नहीं लेते आप एक्शन। वहीं दूसरी तरफ आज एक भाजपा के नेता ने भी केजरीवाल जी के सुर में सुर मिलाते हुए भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने भी अरविंद केजरीवाल के सुर में सुर मिलाते हुए दिल्ली के राशन दुकानदारों को कह डाला माफिया। ये तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और केंद्र में भाजपा की सरकार है। भाजपा और आम आदमी के सुर में सुर मिलने संभव सी बात है, क्योंकि केजरीवाल जो कहेंगे और जो करेंगे वही भाजपा भी कहेगी और करेगी। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इन्हें माफिया कहा तो भाजपा के नेता ने भी इन्हें माफिया कह दिया। हमारे सर्कल 31 में कोरोना काल में एक युवा नौजवान राशन दुकानदार कोरोना से जंग हार गया और उसके एक दो दिन बाद शायद उनकी धर्मपत्नी भी कोरोना से जंग हार गई। ऐसा ही द्वारका साउथ वेस्ट के अधीन आने वाले एक दो सर्कलों में भी कोरोना से एक दो दुकानदार जंग हार गए। जहां तक मुझे ध्यान है, वर्ष 2020 में भी शायद बादली सर्कल में या बादली सर्कल के आसपास एक दुकानदार भाई इस कोरोना से जंग हार गया था और उस कोरोना में उनके प्राण चले गए थे। ऐसे कई दुकानदार हैं जो इस कोरोना में कोरोना से हार गए। किसी ने अपना बेटा खो दिया, किसी ने अपना भाई खो दिया, किसी ने अपना सुहाग खो दिया, किसी ने बच्चों ने अपने पापा खो दिए, किसी बहन ने अपना भाई खो दिया इस कोरोना में। मैं कहना चाहता हूं दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से और साथ ही
भाजपा नेता रविशंकर जी से कि जब आपके ये माफिया शब्द कोरोना में अपनी जान दे चुके राशन दुकानदारों के बच्चों ने सुने होंगे तो उन पर क्या बीता होगा कि आप उनके पिता को, उनके भाई को, उनके बेटे को माफिया शब्द से संबोधित कर रहे हैं। बड़े दुखद बात है ये। राजनीति आनी जानी चीज है। आज आप सत्ता में हैं, आपसे पहले और नेता थे, बहुत आए और बहुत चले गए, आप भी आज हैं, आगे आप भी चले जाएंगे या दोबारा आ जाएंगे, लेकिन एक ऐसे पद पर आसीन होकर आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें कि उन्हें माफिया कहें, अत्यंत दुख होता है। मैं ये नहीं कहता कि राशन दुकानदार गड़बड़ नहीं करते, छोटी मोटी गड़बड़ें जरूर करते हैं, लेकिन आप उन्हें माफिया कहें ये अशोभनीय है। जो मेरे सर्कल में एक राशन दुकानदार इस कोरोना में जंग हार गया अपने प्राणों की, उसके 2-3 दिन बाद उनकी धर्मपत्नी भी कोरोना से जंग हार गई। मैंने सुना है कि उस भाई के एक बेटी है शायद 17-18 साल की और एक बेटा है जो छोटा है। जब मेरे देश के नेताओं ने राशन दुकानदारों को माफिया कहा तो उस टाइम उन बच्चों पर क्या बीती होगी कि उनके पापा को माफिया कहा जा रहा है, कि उनके पापा को माफिया कहा जा रहा है। अगर वो राशन दुकानदार ना होते तो इस कोरोना में अन्य लोगों की तरह वो भी अपने घर में होते और आज शायद मेरे हिसाब से वो जिंदा होते, क्योंकि कोरोना में जब हमारे नेता ही नहीं निकले कहीं बाहर, एसी चलाकर आराम से सो रहे थे, तब ये वही राशन दुकानदार हैं जो हर महीने हजार हजार 1200 लोगों को राशन बांट रहे थे। सरकार द्वारा राशन जो वितरित किया गया था ये बांट रहे थे, और सरकार का सहयोग जब इन्होंने किया अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी, तो आप इन्हें माफिया कहें, अत्यंत दुखद बात है ये। यह अत्यंत दुखद बात है कि आप इन्हें माफिया शब्द कहें से संबोधित करें। यहां दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी डोर स्टेप प्रणाली चालू करना चाहते हैं और केंद्र सरकार उसे होने नहीं दे रही है। केंद्र और दिल्ली सरकार की आपसी खींचातानी में पिस रहा है दिल्ली का दुकानदार जिसे माफिया कहा जा रहा है। मैं रमेश सोनी इस माफिया शब्द कहे जाने पर इन नेताओं की निंदा करता हूं। कुछ समय पूर्व भी दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पुलिस के लिए भी अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। दिल्ली पुलिस के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। उसके बाद यह उनका दूसरा चांस है कि वह एक समुदाय को माफिया कह रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं केजरीवाल जी आपसे, यदि आपके पास उनके माफिया होने के सबूत हैं और आप उन्हें माफिया कह रहे हैं, आपके पास तथ्य हैं उनके माफिया होने के, तो आपको 6-7 साल हो गए सत्ता में आए हुए, आपने अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी? अगर आपको पता है ये माफिया हैं और आप इन्हें माफिया कह रहे हैं और आपके पास माफिया होने के सबूत हैं, तो आपने 7 सालों में इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी? या अब आप माफिया कह के क्या साबित करना चाहते हैं? पूरे कोरोना में आपके 67 के 67 विधायक अंडरग्राउंड थे, बाहर नहीं दिखाई दिए थे। सोशल मीडिया पर हमने भी बहुत पोस्टर देखे आपके नेताओं के लापता होने के जो जनता ने लगा रखे थे,
और माननीय मुख्यमंत्री जी, आप एक समुदाय जो कोरोना में केंद्र सरकार की गाइडलाइन और आपकी गाइडलाइन के अनुसार आपकी गाइडलाइन पे काम कर रहा था, उसे आप माफिया कह रहे हैं। बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा आश्चर्य होता है। और उससे भी बड़ा आश्चर्य तो मुझे इस राशन वेलफेयर एसोसिएशन की जो टीम है, जो पदाधिकारी है, उन पे होता है कि वो कहाँ चने खाकर सो रहे हैं, कि जिस एसोसिएशन के वो अध्यक्ष हैं, जिसके वो पदाधिकारी हैं, उसी एसोसिएशन के अधीन आने वाले कार्य सदस्यों को ये नेता माफिया कहते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है। अरे केजरीवाल जी, अगर आपके पास माफिया होने के सबूत हैं, रविशंकर जी आपके पास अगर माफिया होने के सबूत हैं, तो सरकारें आपकी है, आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी अब तक? 7 साल से भाजपा सत्ता में है केंद्र में, और 7 साल से अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी सत्ता में है, आप लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं करी? बड़ा दुख होता है। मैं इस माफिया शब्द की निंदा करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे ये नेता दोबारा किसी भी समुदाय को इस तरह के शब्दों से संबोधित ना करें। जय हिंद मित्रों।